इनको बनाने में केवल 5 मिनट का समय लगा है। ये फटाफट बनकर तैयार हो गए हैं हमारे चिवड़े, और इनको खाने में भी ये बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। ये देखो बहुत ही खुले खुले, इसमें हमने ड्राई फ्रूट्स भी डाले हैं। आज हम बनाएंगे पोहे के चिवड़े। इसके लिए सबसे पहले हमें मसाला तैयार करना होगा। सबसे पहले लेंगे 2 चम्मच हल्की सी भुनी हुई सौंफ है, उसका पाउडर थोड़ा सा बना लिया हमने। उसके बाद 1 चम्मच लेंगे काला नमक, 1 चम्मच लेंगे हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लेंगे मिर्च पाउडर। इस मसाले में हम चीनी डालेंगे, पीसी हुई चीनी है, 2 मीडियम साइज की जो चम्मच है वो 3 चम्मच डाल देंगे, क्योंकि पोहे है वो थोड़े ज्यादा है। इसको मिक्स कर लेंगे। ये हमने थोड़े से जो मोटे पोहे आते हैं वो वाले लिए हैं, अच्छी तरह इनको साफ कर लिया है। अब इसको तेल में फ्राई करेंगे। अब हम इस पोहे को फ्राई करेंगे। इसको फटाफट निकाल लेंगे, नहीं तो ये काले पड़ जाएंगे। अब हमने जो ये पोहे निकाले थे तेल से, ये गरम है, इस गरम गरम में ही हम ये जो मसाला तैयार किया था इसको हल्के से भुका देंगे। अब जो हमने मसाला तैयार किया था वो डाल दिया है, गरम गरम ही है ये, और इसमें अच्छी तरह इनको मिक्स कर देंगे ताकि जो ये मसाला है गरम गरम पोहे में मिल जाएगा अच्छी तरह। पोहे को तो हमने फ्राई करके निकाल लिया है, अब डालेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट, इसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। थोड़ी डाली है किशमिश और थोड़ा सा डाला है सूखा जो नारियल है, उसके छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। अब इनको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। ये फ्राई हो चुके हैं, अब इसको निकाल लेंगे। डालेंगे मूंगफली, इनको भी फ्राई कर लेंगे। एक दो मिनट में ये फ्राई हो जाएगी। अब हमारी जो ये मूंगफलियां है वो तैयार हो चुकी है एकदम, इनको भी भून लिया है। अब सारी चीजों को एक जगह मिला देंगे। अब हम फ्राई करेंगे। 2-3 हमने हरी मिर्च काटी है और मीठे नीम के पत्ते हैं वो डालेंगे, इन दोनों को एक साथ फ्राई कर लेंगे। 2-3 हरी मिर्ची और मीठे नीम के पत्ते डाले थे, ये भी फ्राई हो चुके हैं, इसको भी मिक्स कर देंगे। ये पूरा सामान है वो इसमें मिक्स कर देंगे, मिला देंगे, इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।